अस्सलाम वालेकुम तकीर सनासी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाह। जनाब तकीर भाई कैसे हैं? ठीक हैं जी, खैरियत शुक्र। अच्छा, आज आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए कोई तोहफा क्या लाए हैं? बिस्मिल्लाह जी, अपने भाइयों के लिए एक बेदूत सिमल फार का एक नुस्खा है जी, वो इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये बेदूत सिमल फार के क्या क्या फ़ायदे हैं, इस्तेमाल क्या क्या इसका? एक तो ये तेल हो जाता है जी। अच्छा, और खुराकी काम करता है। ठीक, उसके अलावा कीमिया में और एक किन किन काम के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, उसके अलावा घंटी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा अच्छा, और बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, बेहतर। चले तो इसका अभी आप हमें फार्मूला बताएं और तरीकाकार भी जी। ये कीमिया कली की पानी खुश कर देगा जी। अच्छा, और इसके लिए ये सोडे का शोरा बनेगा, शोरे का दाबू बनेगा जी। सबसे पहले शोरे का दाबू बनाना है जी, शोरे। अच्छा, शोरा जो है ज़मीनी लेना है, शर्त ये है कि ज़मीनी शोरा हो। ठीक, अलग किस्म का दूसरा चाइना वाला, दूसरा नमक वाला शोरा काम नहीं करेगा, खर्चा हो जाएगा आप लोगों का, भाइयों का। ठीक है, तो सबसे पहले आपने शोरा अच्छा लेना, अच्छी क्वालिटी। शोरा कितना चाहिए? शोरा एक पाव ले लें, आधा किलो ले लें। अच्छा, और बाकी क्या क्या चीज़ें चाहिए? बाकी इसके लिए पुटकंडे का नमक है जी। अच्छा, 50 ग्राम। और 1 किलो इसके अंदर लगेगा जी लौंग। लौंग 1 किलो? 1 किलो लौंग और पुटकंडे का नमक है जी, 50 ग्राम। अच्छा, 50 ग्राम। और शोरा एक पाव। एक पाव, ठीक, ज़मीनी शोरा। ज़मीनी शोरा, ठीक। और ये इसका दाबू बनेगा। सिमल फार कितना? सिमल फार इसके अंदर आप 5 तोले रख सकते हैं। ठीक है, अभी दाबू बनाने का तरीका बताएं ना पहले। दाबू शोरा पिघल जाए तो चुटकियां दें इसको, लौंग की चुटकियां दें। अच्छा, फिर एंड में इसके ऊपर पुटकंडे का नमक जो है वो 50 ग्राम वो भी डाल दें। वो डाल दें, आपका जो है ना शोरे का दाबू तैयार है जी। अच्छा, और इसके बाद इसको पीस लें, पीसने के बाद निहार वाली कढ़ाई ले लें स्टील की। ठीक, और उसके अंदर जो है आप इसको 0 से 4 घंटे, 4 या फिर कम अज कम 10 घंटे इसको पकाना है जी। अच्छा, दाबू में रख के। ठीक, 72 घंटे के बाद ये आपका सिमल फार तैयार है जी। आग पे धुआं नहीं देगा। अच्छा, और बेदूध होगा, बेदूध होगा, हवा में तेल भी नहीं होगा। अच्छा, हवा में तेल भी नहीं होगा, नहीं होगा। इसको इसको अगर खोलना हो तो क्या क्या चीज़ खोलेगी? ये सर सोडियम मेटल से खुलेगा, इसके अलावा ये आपका तेल नहीं होगा। अच्छा, सोडियम मेटल इसको खोलती है जी, जी, सोडियम मेटल है सर, वो बड़े बड़े तरीका के साथ वो काम करेगा, तेल हो जाएगा। ठीक, ठीक। और इसका एक जो है तकरीबन 5 किलो चांदी को, 5 किलो कली को पानी खुश कर देते हैं, एक कतरा। इस सिमल फार का एक कतरा 5 किलो कली का पानी खुश कर। अच्छा, इसको पाउडर पाउडर बना देगा, क्वालिटी की आपकी में कन्वर्ट कर और चांदी में कन्वर्ट कर। ठीक, ठीक। तो इसके और भी माल है तो फायदे बताएं। बहुत फायदे इसको खुराक इस्तेमाल कर, खुराकी फायदे हैं हमारे। घंटे का इससे अच्छा उसका तरीका, उसका इस्तेमाल के सर्दी जो है ना सुरमे वाली, हाँ, बस डुबो दूध के अंदर पीते हैं और घी और मक्खन खूब बंदे को। अच्छा, इंशाल्लाह खत्म जा। अच्छा, तो ये खुराक कितने दिनों के बाद देनी है? ये खुराक बस एक ही दफा देते हैं, दोबारा जिंदगी में बस ये 3 खुराक है इसकी। अच्छा, ये मैंने अपने बाजी सरकार के साथ बैठ के बनाया है जी। ठीक, और ये उनका नुस्खा है जी, बाकरामद सरकार का। ठीक, ये उन्होंने, ये इंशाल्लाह आपके साथ मिलके हम आएंगे और फिर प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर भी अपने आम सामेईन को और नाज़रीन को पेश करेंगे। तो अच्छा, गंठिया के लिए इसकी एक सिलाई पिलानी है तो कुवत बा पर भी ये काम करते हैं? कुवत बा तो बहुत बेताशा कुवत बा। अच्छा, ना मर्द बंदे के लिए सोजाक जिसके अंदर से पी पस आती हो उसके लिए जबरदस्त। अच्छा, अपनी जुबान में कोड, हाँ, कोड भी, कोड। अच्छा, ठीक जी, बंदा जो मतलब फारग है, ठीक, उसके लिए बहुत अलग, उसको उनको भी सिलाई दूध। अच्छा, सिलाई डुबो के निकाल लेनी है। ठीक, ठीक। अच्छा 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 अच्छा, तो ये बहुत हमारे वो बाजी सरकार से जी, ये अब दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं,
तोहफा। अच्छा, फिर हमने उनके साथ के प्रैक्टिकल किए, प्रैक्टिकल कराया। ठीक, इससे अच्छा सिमर हमने नहीं देखा। ठीक, तो ये तकरीबन कितने घंटे इसको पकाना होता है, वो चुटकियाँ देनी होती हैं उसकी? ये दाबू तकरीबन 2 से 2.5 घंटे में तैयार हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आप इसको ठंडा करके फिर दाबू के अंदर कितने टाइम पकाना है? ये 72 घंटे पकाना है। 72 घंटे उस दाबू में रख के सिमर फार को पकाना है। आग कैसी? आग है मुख्तलिफ, आग है 0 से लेके स्टार्ट करना है। हाँ, 4 घंटे बाद थोड़ी सी बढ़ा देनी है, 4 घंटे पर फिर थोड़ी सी। अच्छा, इस तरह मतलब 4-4 घंटे बाद इसकी आग बढ़ानी है। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। काफ़ी दिनों के बाद आप हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो इंशाल्लाह आप, उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हाज़िरी देंगे और प्रैक्टिकल अभी हाज़िरी आपकी आनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।